गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 का आपका साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र है, जो आपका आज का वीडियो में आपका 5 सेट को एक ही वीडियो में हम करने वाले हैं। 5 सेट का मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर को एक ही वीडियो में करने वाले हैं। मैराथन सेशन ही मान के चलिए, आपका 5 सेट का मतलब 200 क्वेश्चन को 200 एमसीक्यू को इस वीडियो में करने जा रहे हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी जैसे आरटी द्वारा जारी किया गया मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर है, जो 2023 में जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, इसके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट आपका सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। सभी आप जानते हैं कि थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन को भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। सामान्य निर्देश आपका कुल प्रश्नों की संख्या 40 रहेगा और सभी प्रश्न क्या है वो अनिवार्य है, और सभी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे और सही विकल्प का चयन करना और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, यह सभी को पता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट सेट का फर्स्ट क्वेश्चन यह रहा आपका पहला सवाल। पहला सवाल आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाए आपका, दाढ़ी बनाने में आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, गोले दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। इसका जो संबंध आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, एफ बराबर आर बाय 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2। चलिए ये आपका संबंध है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में, या फिर इस संबंध को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना एफ। चलिए दोनों में से कोई एक आपका हो सकता है ऑप्शन में। चलिए तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, एफ बराबर आर बाय 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आवर्ति। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में आवर्ति जो है क्या रहता है, वो अपरिवर्तित रहती है। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आवर्ति। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में आवर्ति एक भौतिक राशि है जो क्या रहता है, वो अपरिवर्तित रहता है, मतलब वो बदलता नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाला, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा आपका, 1 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 1 डायोप्टर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लेंस की क्षमता पी बराबर सूत्र क्या होता है 1/f, और एफ का मान दिया हुआ 1, तो क्या होगा 1/1 मतलब क्या 1, और लेंस का मात्रक क्या होता है डायोप्टर, लेंस का मात्रक क्या होता है डायोप्टर, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका 1 डायोप्टर, क्या हो जाएगा 1 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर 2 उसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी का सूत्र आप जानते हैं 1/D, तो D का मान कितना है 4, तो 1/4 का मतलब क्या हो गया 0.25 हो जाएगा, 1/4 का मतलब 0.25, यह क्या हो गया आपका मीटर हो गया, और फोकस दूरी किस में होता है आपका सेंटीमीटर में, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर जब बनाइएगा तो 0.25 मीटर को क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर
दो में सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पाँच का ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहन के अग्रदीपों में आपका अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। वाहन के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जिसको हेडलाइट बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन का मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है? तो ये जो आपका क्या कहलाता है, आपका दृष्टिपटल। क्या कहलाता है? दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वस्तु का उसे दृष्टिपटल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेटिना। जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेटिना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है? दूरबिंदु क्या होता है सामान्य नेत्र का? तो दूरबिंदु आपका अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है जबकि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए यहाँ पे दूरबिंदु पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है? नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो नेत्र में जो आपका जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आपका पुतली करता है। कौन करता है? पुतली। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा जिसको पुपिल बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति आपका उल्टा और वास्तविक होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा क्योंकि मानव नेत्र में आपका उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। इसका प्रकृति क्या होता है? उल्टा और वास्तविक। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो 1 किलोवाट घंटा जो आपका किसकी इकाई है? तो आपका ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की, इनर्जी का। 1 किलोवाट घंटा किसका इकाई है? जो आपका ऊर्जा का मात्रक है, 1 किलोवाट घंटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूलाम का ऐसा मात्रक क्या है? कूलाम का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कूलाम का ऐसा मात्रक विद्युत आवेश होता है, यानी विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। क्या है? कूलाम किसका ऐसा मात्रक है? विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम, जिसको सी से सूचित किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद्युत मोटर एक युक्ति है जो किसको बदलता है? तो विद्युत मोटर जो आपका क्या करता है, आपका विद्युत मोटर आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? जल का विद्युत अवघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जल का जो विद्युत अवघटन है उसका वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया है आपका कौन? जल का विद्युत अवघटन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपका, यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है? वो अभिक्रिया दिया है आपका CuO+O2। इधर आपका उत्पाद में आपका CU+H2O, आपका ये अभिकारक है CuO+O2, और इधर उत्पाद में क्या है? CU+H2O। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका अपचयन हो रहा है, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? तो अपचयन जो आपका यहाँ पर हो रहा है, अपचयन आपका हाइड्रोजन का हो रहा है। किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका एक फिगर है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका क्या है? फिगर आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 में आपका यह फिगर है आपका, ये आपका यह स्टैंड है, फिर क्या है, प्रखनली है, ये धागा है, कॉपर सल्फेट का विलयन, और इधर लोहे की कील आपका है, ये वाला क्या है? लोहे की कील है। अरे आपका क्या, ये वाला ये क्या है? प्रखनली है। इसमें ये वाला क्या है? धागा है। और यहाँ पर जो लटकाया हुआ क्या है? वो कॉपर सल्फेट का विलयन है। अरे आपका लोहे का कील है। तो इस तरह का आपका ये आपका क्या स्टैंड है? तो ये आपका फिगर देख पा रहे हैं। चलिए ये फिगर जो आपका फिगर में पूछ रहा है कि यह जो चित्र है वो किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है, यह 16 नंबर क्वेश्चन में किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है। चलिए इस फिगर को देख के आप याद कर लीजिएगा।
इसमें जो आपका विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, क्या हो रहा है? विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, या फिगर में जो आपका है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो इसमें से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो इसका लिटमस पत्र आपका क्या है, वो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, लिटमस का एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, जबकि मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थलिन यह सब क्या है, वो कृत्रिम सूचक का उदाहरण है। चलिए यहाँ पे प्राकृतिक पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, लिटमस पत्र। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विलयन का पीएच मान 10 है, क्या है पीएच मान कितना है? 10 है। तो पीएच मान 10 है आपका, पीएच स्केल का जो आपका खोज किसने किया है? सोरेनसन ने, कब किया? 1909 में। तो वो पीएच स्केल का जो 10 है तो वह किस तरह का वह होगा, अम्ल होगा कि क्षार होगा कि लवण होगा कि उदासीन होगा? तो 10 है यानी 7 से अधिक, पीएच मान यदि 7 से अधिक होता है तो इसको क्या बोलते हैं, 7 से अधिक जिस विलयन का पीएच मान होता है वह क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, 7 से अधिक होता है पीएच मान, तो यह प्रकृति क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है जिसको बेस बोलते हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में भी एक और फिगर है, फिगर को भी देखना है और फिगर को देख के आपको इसका आंसर करना है। देखिए ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी कुछ अभिक्रिया हो रहा है अंदर में, ठीक है, यह फिगर आपको बता रहा है, यह फिगर क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या चीज़ को सूचित कर रहा है ये फिगर, तो आप इसको याद रखेंगे। यह जो फिगर आप देख पा रहे हैं यह क्या है, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी का चिन्ह है। यह जो आप चिन्ह देख पा रहे हैं यह आपका सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल होता है, क्या होता है, टार्ट्रिक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन आपका, और धातु बोला इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, धातु बोलता तो आंसर होता पारा, जिसको मरकरी बोलते हैं। तो यहाँ पे अवधातु है, कौन सा अवधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, निम्नांकित में से किस पदार्थ का उपयोग हानिकारक बनाने में किया जाता है, सॉरी हानिकारक नहीं अग्निशामक, क्या वो अग्निशामक बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, अग्निशामक बनाने में किसका प्रयोग होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। चलिए इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है अग्निशामक बनाने में उपयोग किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो आपका है परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के वेस्ट पर वो बना है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसके आधार पर बना है, परमाणु संख्या, जो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, मोसले को, किसे कहा जाता है, मोसले को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहाँ पर जो आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका देखते हैं तो पोटेशियम जो है क्या वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, पोटेशियम क्या है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 25 आपका है ये आपका है, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? तो ये जो आपका क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, मिनरल्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, खनिज, क्या कहते हैं, खनिज, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाता है,
खनिज कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनॉल में किस अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाए आपका अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। प्रोपेनॉल में किस तरह का अभिक्रियाशील समूह है? तो अल्कोहल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में से क्या नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना ये आपका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में क्या चीज़ नहीं होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फ्लेम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों की ओर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 29, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इसका सही हो जाएगा। फल को पकाने में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो एथिलीन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। एथिलीन एक हार्मोन है जो फल को पकाने के लिए उत्तरदायी है। चलिए तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस्ट्रोजन स्रावित होता है। क्या है आपका? आपका जो क्वेश्चन है आपका 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहाँ से? तो एस्ट्रोजन जो आपका स्रावित होता है आपका कहाँ से? अंडाशय से स्रावित होता है। ओवरी से स्रावित होता है आपका एस्ट्रोजन कहाँ स्रावित होता है? अंडाशय द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका निषेचन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर प्रश्न आपका, यह फिगर है, ये जो आपका चित्र देख पा रहे हैं, जनन का प्रोसेस को बता रहा है। और यहाँ पूछ रहा है कि किस प्रकार का जनन हो रहा है। ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं, इसमें आपका जनन हो रहा है, इसमें आपका किस प्रकार का जनन हो रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुलन। क्या हो जाएगा? मुकुलन। या इसका जो जनन का विधि आपका क्या है? वो फिगर, ये जो फिगर देख रहे हैं मुकुलन जो आपका, यह क्या है? मुकुलन विधि से वो जनन हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, पक्षी और चमगादड़ के पंख किसका उदाहरण? पक्षी और चमगादड़ का जो पंख आपका असंजात अंग के उदाहरण। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, पक्षी और चमगादड़ जो है वो किसके उदाहरण है? असंजात अंग। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो ऑप्शन नंबर 3 उसका सही हो जाएगा, मटर के पौधे को। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मटर। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा उत्पादक है? तो इसमें उत्पादक कौन है? तो उत्पादक आपका जो आपका क्या है, घास क्या है वो उत्पादक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर क्वेश्चन आपका है, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी निर्माण होता है तो कैसे होता है? तो शाकाहारी निर्माण आपका प्रथम पोषी स्तर का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है प्रथम पोषी स्तर का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ओजन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेवार गैस क्या है? तो 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सी एफ सी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेवार कौन सा गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका CFC गैस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है आपका, निम्नांकित में से
निम्नांकित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? तो नहीं है आपका कौन हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका नाभिक ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, नाभिक ऊर्जा। ये जो जैव मात्रा ऊर्जा का जो स्रोत का उदाहरण नहीं है कौन, नाभिकीय ऊर्जा, जबकि लकड़ी, गोबर, गैस, कोयला ये सभी क्या है, वो नाभिकीय ऊर्जा का उदाहरण, जैव मात्रा का ऊर्जा का उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पवन ऊर्जा का, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पवन ऊर्जा के लिए उत्पादन के लिए न्यूनतम चाल कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेट आपका सेट नंबर 2 क्या है, सेट नंबर 2। एक सेट को हम लोगों ने कर लिए, अब दूसरा सेट देखते हैं। ये आपका क्या है, सेट 2 है, सेट 2 आपका क्या विज्ञान का क्या है, वो सेट 2 है जो क्लास 10 का आपका 2023 में जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। एक ही वीडियो में आपको 5 सेट को करने जा रहे हैं और 5 सेट का सभी प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे। चलिए तो सेकंड सेट का आपका सेकंड सेट अब देखते हैं। सेकंड सेट तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड सेट का, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की गमन जो है करती है किसमें, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन, एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है, इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा, उसका आधा, 20 का आधा क्या है 10, क्योंकि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका एफ का जो सूत्र होता है आपका r/2, तो r को यदि हम 20 को 2 से भाग करें कितना आ जाएगा 10, देखिए आपका 10 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर, तो वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा और फोकस दूरी आपको निकालने बोलेगा तो आधा कर देना है, और फोकस दूरी दिया रहेगा और वक्रता त्रिज्या निकालने बोलेगा तो उसको दोगुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यह सूत्र आपका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो वो विस्तृत होता है, तो विस्तृत किसका होता है, तो आपका उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का जो आपका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है वो विस्तृत होता है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है वो विस्तृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में पथ दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण का, क्या है, उत्तल दर्पण का, वाहनों में जो पथ दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 का 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो मिट्टी, क्या हो जाएगा, मिट्टी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, मिट्टी जो है आपका क्या है, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, बाकी जाल, प्लास्टिक, कांच, इससे लेंस बनता है, लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसका क्षमता कितना दिया है, -2 डायोप्टर, तो माइनस है तो फोकस दूरी भी क्या होगा, माइनस ही होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 6 का आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 -50 cm, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो आपका f बराबर सूत्र क्या होता है, f बराबर सूत्र क्या होता है, 1/p, तो 1/p, p का मतलब कितना है, p का मतलब माइनस है 2 ही, मान के चलो दसमलव है तो 2 ही हो गया, तो क्या हो गया आपका, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से भाग कर रहा है, कितना हो जाएगा, -0.5 क्या हो जाएगा का मीटर हो जाएगा, 0.5 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, तो इसको जब सेंटीमीटर बनाएंगे तो सेंटीमीटर बनाएंगे क्या हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे, जब 100 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा आपका, तो 100 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, और माइनस है क्योंकि वो फोकस क्षमता माइनस में है, तो उसका फोकस दूरी भी क्या होगा, माइनस होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 50 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 का सही हो जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा, -2 डायोप्टर क्षमता वाला जो लेंस का फोकस दूरी कितना होता है,
माइनस 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए ये सूत्र है, सूत्र में रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आँख के जो रंगीन भाग है उसको बोलते हैं आपका परितारिका, जिसको आयरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परितारिका। आँख के रंगीन भाग को परितारिका बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में आयरिस बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? तो 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर दो उसका सही हो जाएगा। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस के चश्मे, उत्तल लेंस के चश्मे के उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? तो उसका इसका सही उत्तर हो जाए आपका दीर्घ दृष्टि दोष को। उत्तल लेंस का चश्मा पहनकर दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में जो है आपका प्रतिबिंब जो है रेटिना के सामने बनता है। चलिए ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 नंबर क्वेश्चन, क्या है? विभांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या हो जाएगा? 11 का एक हो जाएगा वोल्ट। विभांतर का ऐसा मात्रक क्या है? वोल्ट। चलिए ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। कूलम किसका होता है? विद्युत आवेश का। एम्पीयर किसका होता है? विद्युत धारा का। चलिए और विभव किसका होता है? विभव और विभांतर का होता है? वोल्ट। ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर एक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है? तो किसको जोड़ा जाता है? एमीटर को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी समांतर है ना, समांतर है तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा। एमीटर किसके लिए होता है? श्रेणी क्रम में, परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसको? वोल्ट मीटर को। 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा सही आपका। 12 का ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर। परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, वो यंत्र का नाम क्या है? उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर तीन इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा जनित्र, जिसको जनरेटर बोलते हैं। जनित्र क्या होगा? जनित्र। ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति का नाम क्या है? जनित्र। 13 का ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना जो आपका क्या है आपका वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर तीन इसका सही हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है वो? वियोजन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका CH4, इधर आपका क्या है? 2O2, इधर बन गया CO2, इधर बन गया H2O, फिर जल। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? यह जब आपका देख रहे हैं वो देख पा रहे, वो क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। CH4 प्लस 2O2, इधर क्या है उत्पाद में? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ये आपका क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। 15 का क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यह फिगर देख पा रहे हैं, यह आपका कांच का चूर्ण है, इसमें यह इसमें क्या है? कांच का चूर्ण है, युक्त चाइना डिश है, यह आपका क्या है? चाइना डिश है। चलिए यह जाली है, यह वाला आपका क्या है? जाली है, त्रिपाल है, और फिर क्या है? बर्नर। क्या वो बर्नर है? तो इस तरह का वो प्रोसेस को वो किया जा रहा है। इस प्रोसेस को आप देख लीजिए, याद कर लीजिए क्या है और क्या नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, कितना नंबर क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन क्या यहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन। ऑप्शन नंबर तीन इसका सही हो जाएगा, उपचयन, उपचयन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संश्लेषित सूचक है, संश्लेषित सूचक है। तो संश्लेषित सूचक क्या है आपका? एक और दो दोनों, मतलब का मेथिल ऑरेंज भी है और आपका फिनोफ्थलिन भी है। आपका ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों आंसर हो जाएगा संश्लेषित सूचक जब कुछ बोलेगा तो। अब उदासीन बिलियन का पीएच मान कितना होता है? 7। क्या होता है? 7 के बराबर। 18 का हो जाएगा आपका 7। क्या हो जाएगा? उदासीन बिलियन का पीएच मान कितना होता है? 7। क्या हो जाएगा? 18 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, पावर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर
चार इसका सही हो जाएगा, टू सी ए एस ओ फोर इधर एच टू ओ, टू सी ए एस ओ फोर प्लस एच टू ओ, ये आपका क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपका, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर दो उसका सही हो जाएगा। टमाटर में क्या होता है वो सिट्रिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, देखिए सभी प्रश्न क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सभी प्रश्न क्या है आपका मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर से करा रहे हैं, इसलिए आप प्रश्न को बार बार इस ये सेट को आप बार बार देखिए, दो बार तीन बार देख के जाइए, और इससे क्या होगा आपका सभी क्वेश्चन आपका इसी से क्या हो जाएगा आपका लड़ जाएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोगों के बीच लेकर के आते रहते हैं। चलिए ये आपका 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या हो जाएगा 20 नंबर का, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिट्रिक अम्ल, क्या पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, किसमें टमाटर में सिट्रिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जल की अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का उपयोग किया जाता है, इसका नाम है आपका ये जो लवण है आपका है Na2CO3.10H2, ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा, Na2CO3.10H2O जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सॉरी सोडियम कार्बोनेट क्या Na2CO3.10H2O, ये आपका क्या है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में प्रयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसको धवन सोडा भी बोलते हैं, वाशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 22 का ऑप्शन नंबर एक क्या है आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक क्या है अधातु है जो विद्युत का क्या है वो सुचालक है, ग्रेफाइट से विद्युत धारा प्रवाहित किया जा किया जाता है, पृथ्वी से इस खनिज अयस्कों में मिट्टी तेल आदि जैसी कई अशुद्धियां होता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अयस्क, क्या बोलते हैं ये आपका 23 नंबर है, 23 नंबर का जो सही उत्तर गेंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा गेंग हो जाएगा, चलिए ये आपका 3 हो जाएगा सही गेंग हो जाएगा, पृथ्वी के खनिज अयस्कों में मिट्टी रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है उसे गेंग कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन 24, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तांबा और टीन के मिश्र धातु को कासा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एक से हो जाएगा, तांबा और टीन के मिश्र धातु को कासा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कासा कहते हैं, 24 का ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइन का जो समान सूत्र है एल्काइन का -2 वाला, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 इसका सही हो जाएगा, एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एल्काइन का समान सूत्र क्या हो गया आपका 25 का CnH2n-2, एल्काइन का समान सूत्र है 25 का क्या है CnH2n-2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं 26 का कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेलोजन, क्या होगा हेलोजन तत्व कहलाते हैं, आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व जो हुआ क्या कहलाते हैं हेलोजन तत्व कहलाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन नहीं है, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन नहीं है,
तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एक कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाता है, पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाता है तो कब पाता है, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा वाष्पर्जन, वाष्पर्जन द्वारा, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं वाष्पर्जन द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका आमाशय में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आमाशय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा। चलिए जठर ग्रंथि का कहाँ पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए या शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, उपरोक्त सही हो जाएगा। मस्तिष्क क्या है वो सोचने के लिए भी जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, और हृदय के स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है, और शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है। चलिए एक नर हार्मोन, एक नर हार्मोन क्या है आपका, आपका टेस्टोस्टेरोन आपका एक नर हार्मोन, ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा। 31 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, एक नर हार्मोन क्या है टेस्टोस्टेरोन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट कोशिका की किस विधि द्वारा आलिंगी जनन होती है, ईस्ट कोशिका की किस विधि द्वारा आलिंगी जनन होती है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 32 का मुकुलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा मुकुलन। ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा होता है आलिंगी जनन, तो मुकुलन विधि द्वारा। ओढ़ोल किस प्रकार का पुष्प है, ओढ़ोल किस प्रकार पुष्प है, तो ओढ़ोल का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी है आपका एक और दो दोनों, मतलब द्विलिंगी भी और लिंगी भी, ये आपका एक लिंगी द्विलिंगी ये दोनों हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, किसी स्थान को मानव का उद्भव स्थान मानते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अफ्रीका, क्या हो जाएगा किस स्थान को मानव का उद्भव स्थान कहते हैं, अफ्रीका को। मेंडल के प्रयोग टी को क्या दर्शाता है, तो टी को दर्शाता है एक और दो दोनों, प्रभावी लक्षण भी दिखाता है टी, और दूसरा टी क्या दिखा है आपका लंबाई दिखाता है। मेंडल के प्रयोग में टी क्या दर्शाता है, प्रभावी लक्षण और लंबाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 36 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है, तो 37 का हो जाएगा आपका, 37 का आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण कौन है, तो 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चार, इनमें से सभी तालाब भी है, वन भी है और झील भी है, एक क्या है सभी प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर चार इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, उसका जो सही उत्तर हो जाए आपका 38 का सही उत्तर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर एक जीव संरक्षण हेतु, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा जीव संरक्षण हेतु। कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है, तो सौर ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा नहीं होता है, कौन सा ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, नाभिक ऊर्जा, क्या हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दो सही हो जाएगा
नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेट टू का लास्ट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन रहता है प्रत्येक सेट में। चलिए ये जो क्वेश्चन है, स्वर स्थिरांक का मान क्या होता है, स्वर स्थिरांक का मान क्या होता है, स्वर स्थिरांक का मान जो आपका है ऑप्शन एक का सही हो जाएगा 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। स्वर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो सेट आपका है, सेट टू भी क्या है, सेट टू भी क्या है हम लोग कर लिए, अब सेट थ्री को देखेंगे। अब इस तरह से आपका सेट टू भी हम लोगों ने कर लिए, अब सेट थ्री को देखते हैं। साइंस का सेट थ्री आपका यह क्लास टेन का आपका जैक बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें 5 सेट को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए तो दो सेट को हम लोगों ने कर लिया है। अब यह आपका तीसरा सेट है, तीसरा सेट का क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है आपका, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक में यह वाला मान है क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है आपका 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन एक में आपका है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, यही आपका क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ऑप्शन एक इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर टू आपका है, क्वेश्चन नंबर टू आपका उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्त त्रिज्या 32 है। तो वक्त त्रिज्या 32 है तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा उसका, आधा तो 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर कितना है, ऑप्शन नंबर एक सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन तीन इसका सही हो जाएगा। वक्त त्रिज्या 32 है, इसका फोकस दूरी आधा हो जाता है, क्योंकि आपका फोकस दूरी का सूत्र आपका है R/2। तो आप इसको भाग करिएगा 32 को 2 से, कितना आ जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर तीन में इसका ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर थ्री, किसी दर्पण से आप चाहे जितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो संभवतः दर्पण किस तरह का होता है, तो दर्पण जो आपका क्या होता है आपका केवल समतल दर्पण में ऐसा होता है, ऑप्शन एक इसका सही हो जाएगा, केवल समतल दर्पण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस गोले दर्पण का उपयोग किया जाता है, सोलर कुकर में किस गोले दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाए आपका अवतल दर्पण, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कर रहा है, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। उसका जो फ्वाज का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आभासी एवं सीधा होता है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है, 5 का ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। चलिए 2 मीटर जब का जो फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, सही उत्तर क्या हो जाएगा, -0.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा 3 का। क्यों, ये आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि यह आपका क्षमता पी बराबर सूत्र क्या होता है, 1/f, तो 1/f, f का मान कितना है आपका 2 मीटर है, इसको भाग कीजिए कितना होगा, 0.5 डायोप्टर। और क्या है आपका अवतल है, तो अवतल के लिए क्या होता है, फोकस दूरी माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका माइनस होगा। डायोप्टर भी क्या हो जाएगा आपका, शक्ति भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -0.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस निगेटिव होता है, इसके कारण उसका पावर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य दृष्टि के वेश के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग कितना होती है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाए आपका 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो किस में होता है, तो नेत्र के जब का किस भाग में, दृष्टिपटल में, रेटिना में। नेत्र का जो दृष्टिपटल भाग है जिसको रेटिना बोलते हैं, उसी में उस प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
दीर्घदृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है, जिसके लिए सही उत्तर हो जाए आपका आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उत्तल लेंस क्या हुआ, दीर्घदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस दर्पण का लेंस का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा दीर्घदृष्टि दोष को दूर किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दो, दीर्घदृष्टि दोष सही हो जाएगा। दीर्घदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो 10 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर दो, दीर्घदृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ओम किसका मात्रक है, ओम जो आपका मात्रक है किसका, ओम आपका प्रतिरोध का मात्रक है, ऑप्शन नंबर दो का सही हो जाएगा। ओम का मात्रक, ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का हो जाएगा। मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और चलिए तो ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दो का सही हो जाएगा आपका। अब जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है, क्या गतिशील कण होता है, तो गतिशील कण जो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, ऑप्शन नंबर चार इसका सही हो जाएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है, वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, गतिशील कण, ऑप्शन नंबर दो चार इसका, ऑप्शन नंबर चार इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तेरह है, किसी विद्युत धारावाहिक सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबक के क्षेत्र क्या होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चार, सभी बिंदु पर समान होता है, सभी बिंदु पर समान होता है, ऑप्शन नंबर चार इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसी विद्युत धारावाहिक सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबक के क्षेत्र क्या होता है, सभी बिंदु पर समान होता है, ऑप्शन नंबर चार इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या कह रहा है, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या होगा, नाइट्रोजन गैस N2 गैस, नाइट्रोजन गैस भरी होती है किसमें, आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या आपका, अभिक्रिया Fe+CuSO4 और इधर आपका FeSO4+Cu, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो जो अभिक्रिया है आपका यहाँ पर Fe क्या करता है, वो इससे कॉपर को क्या करता है, वो विस्थापित कर देता है, तो वो क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीन इसका सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपका, क्योंकि कॉपर को लोहा क्या करता है, विस्थापित करता है, क्योंकि कॉपर क्या है, कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है लोहा। चलिए विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीन इसका सही हो जाएगा। चलिए अब जो क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, ये आपका फिगर है, इस फिगर को देखिए, पहचानिए, ये इस तरह का फिगर आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में, यह अभिक्रिया इसमें किस तरह का अभिक्रिया हो रहा है, ये आपका विकर है, यह आपका विकर है। चलिए यह विकर में क्या है, जल है, यह आपका जल है, और ये नीचे जो आपका ये सब क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO। चलिए इतना तक आपको पता हो गया, अब इसमें किस तरह का अभिक्रिया हो रहा है, फिगर को आप पहचान लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं कि फिगर इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, तो ये जो विकर आप देख रहे थे इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा, कंबाइनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन आपका क्या कह रहा है, कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नीला को जो लाल करता है वो क्या होता है, वो आपका अम्ल होता है, अम्ल का ट्री का जानते हैं, अनिला, नीला को लाल करता है वो क्या है, अम्ल, अनिला। चलिए ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा, 17 का 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल करता है, तो pH मान कितना हो जाएगा, अम्ल होगा, तो अम्ल का क्या होता है, 7 से कम होता है, तो 7 से कम किसका है, 2 है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, pH मान कितना होगा, 2, जो कि अम्ल का होता है, अम्ल ही क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बेकिंग सोडा सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, और सभी मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2023 में जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखिए,
और आप सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो से, और भी वीडियो है उसको भी आप देखेंगे प्लेलिस्ट में। साइंस का बहुत सारा क्वेश्चन का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैप्टर वाइज आपका दो दो बुक से आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराया गया है और आपका मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर भी अपलोड है। इन सभी तरह का साइंस का बहुत सारा क्वेश्चन आपका वीडियो है आपका प्लेलिस्ट में, आप सभी को आप वॉच कीजिए। चलिए, यह जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका NaSCO3। ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा NaSCO3, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है, जिसका जो सही उत्तर होगा आपका इसका होगा CaSO4 हाफ H2O, जिसको क्या बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। चलिए, जो क्या कहता है, हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी धातु चमकीला होता है, जिसका जो सही उत्तर होगा आपका आयोडीन, क्या होगा आयोडीन। ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा, आयोडीन एक अवधातु है जो क्या होता है, वो चमकीला होता है। कौन सी अवधातु चमकीला होता है, तो आयोडीन आपका एक अवधातु है जो चमकीला होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेवार किसका अयस्क है, सिनेवार किसका अयस्क है, पारा का, मरकरी का। HG इसका संकेत होता है, सिनेवार पारा का अयस्क है। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु क्या बोलते हैं, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपका पीतल। पीतल जो है आपका क्या है, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, जिसका संकेत क्या है, पिताजी, तांबा जिसे जस्ता। चलिए, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एल्केन का समान सूत्र क्या आपका तीन हो जाएगा आपका 25 का CnH2n+2। ऑप्शन नंबर तीन इसका सही हो जाएगा, CnH2n+2 एल्केन का समान सूत्र है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका दो। ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा, दो। आवर्त सारणी के प्रथम तत्व में कितना तत्व है, प्रथम आवर्त में आपका दो तत्व है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वपोषी पोषण किसके लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, इसके लिए इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, तीनों क्या है आपका आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यह सभी क्या हुआ आवश्यक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर चार, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन का, पौधे में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, इसका जो सही उत्तर होगा फ्लोएम। ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा, पौधे में भोजन का स्थानांतरण जो होगा फ्लोएम के द्वारा होता है। पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है, तो वसा का इमल्सन कौन करता है पाचन क्रिया में, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका पित्त करता है, क्या करता है, पित्त, बाइल, बाइल, पित्त को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बाइल। ऑप्शन नंबर चार इसका सही हो जाएगा, पित्त जो होगा क्या करता है, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण करता है। निम्नांकित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन बताना है आपका साइटोकाइन का उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन आपका, शरीर का प्रमुख समन्वयन केंद्र क्या होता है, शरीर का जो प्रमुख
समन्वयन केंद्र होता है आपका मस्तिष्क, क्या होता है मस्तिष्क, ब्रेन क्या होता है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। शरीर का प्रमुख समन्वयन केंद्र क्या होता है मस्तिष्क होता है। चलिए एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, एकल जीव जो आपका प्लाज्मोडियम है इसमें किस विधि द्वारा जनन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्लाज्मोडियम जो आपका बहुखंडन विधि द्वारा वह जनन करता है, बहुखंडन विधि द्वारा। एकल जीव प्लाज्मोडियम जो आपका बहुखंडन विधि द्वारा जनन होता है या करता है। पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर में क्या होता है, तो पुंकेसर में क्या होता है आपका, पुंकेसर में आपका परागकण होता है। ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा। पुंकेसर में क्या होता है परागकण, 32-33 का ऑप्शन दो हो जाएगा, परागकण होता है पुंकेसर में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण क्या है आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर चार इसका सही हो जाएगा। हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपद यह भी समजात अंग का उदाहरण है, हमारे दांत तथा हाथी के दांत यह भी समजात अंग के उदाहरण है, आलू और घास के ऊपरी बहुस्तर ये भी क्या है समजात अंग के उदाहरण। इस तरह से इस प्रकार उसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर चार उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, अनुवांशिकी जनक किसे कहा जाता है, तो 35 का सही उत्तर होगा आपका मेंडल को, जिसने मटर के पौधे पर ना प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को, मेंडल को मेंडल ने किस पौधे पर ना प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे, मटर के पौधे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, तो 36 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दो घास बकरी मानव, ये आपका घास बकरी मानव आपका क्या करता है आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, घास को बकरी खाएगा बकरी को मानव खाया जाता है, आपका आहार श्रृंखला का निर्माण वो करता है, ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा 36 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन आपका ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जा सकते हैं क्या कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जाते हैं वो क्या कहलाता है, ये जबता होता है इसका सही उत्तर होगा आपका जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय क्या कहलाता है जैव निम्नीकरणीय, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्वेश्चन चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से है, इसका जो सही उत्तर होगा आपका रेनी, क्या आपका रेनी गांव से है जो आपका उत्तराखंड में है। चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से है रेनी, क्या आपका 38 का ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा रेनी। कौन सा जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन कौन है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है आपका इनमें से सभी, इनमें से सभी क्या हुआ जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है, और पेट्रोलियम भी क्या हुआ जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है कोयला प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आपका भारत में बायोगैस किस नाम से प्रचलित है, तो बायोगैस किस नाम से प्रचलित है, तो भारत में जो आपका गोबर गैस जो क्या है वो बायोगैस के नाम से प्रचलित है, गोबर गैस का ही दूसरा नाम क्या है बायोगैस, जो गोबर गैस बायोगैस के नाम से फेमस है। चलिए अब नेक्स्ट सेट आपको देखते हैं, नेक्स्ट सेट आपका क्या है सेट क्या है आपका सेट फोर, क्या आपका सेट फोर। अब देखते हैं सेट फोर को, क्योंकि सेट थ्री तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब सेट फोर को करते हैं, सेट फोर का क्वेश्चन को, चलिए सेट फोर का स्टार्ट करते हैं, सेट फोर को, सेट फोर का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ये आपका साइंस का मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर का मैराथन सेशन चल रहा है, जो आपका क्लास टेन का जैक बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला यह वीडियो, क्योंकि एक ही वीडियो में 5 सेट का इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को कराया जाएगा, और इसमें 200 क्वेश्चन एमसीक्यू 200 क्वेश्चन इसमें है, टोटल क्वेश्चन 200 है जो एक ही वीडियो में आप लोग देखेंगे। चलिए तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है परावर्तन के कितने नियम हैं, परावर्तन के नियम लागू होते हैं, तो परावर्तन के नियम जो है आपका
सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर चार इसका सही हो जाएगा, परावर्तक के नियम सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ का मान 12 है तो आर का मान क्या हो जाएगा, उसका दुगुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा, फोकल दूरी 12 है तो उसका वक्र त्रिज्या क्या हो जाएगा, उसका दुगुना हो जाएगा तो 24, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर उसका दो उसका सॉरी ऑप्शन नंबर एक, दो का ऑप्शन नंबर एक, चलिए दो का ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है आपका क्या होता है, इनमें से सभी क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, इनमें से सभी का मतलब हो गया आपका सीधा भी होता है, आभासी भी होता है और बराबर भी होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा भी होता है, आभासी और बराबर, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। चलिए अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नांकित में से किस वस्तु में किया जाता है, तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है आपका किसमें होता है, तो गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के अग्रदीपों में। ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो चार का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, गाड़ी के हेडलाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन आपका है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका पाँच का, पाँच का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सही होगा, उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर एक इसका हो जाएगा उत्तल लेंस, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए जो है वह उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका है, डायोप्टर मात्रक है, डायोप्टर किसका मात्रक है, डायोप्टर आपका मात्रक है किसका, लेंस के शक्ति का, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, डायोप्टर, डायोप्टर इसको डी सूचित करता है, डी बराबर क्या होता है सॉरी पी, डायोप्टर को डी सूचित करता है इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभिनेत्र लेंस की फोकल दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अभिनेत्र लेंस की फोकल दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा सात का सी, सात का सी मतलब ऑप्शन नंबर तीन, पक्षमावी पेशियों द्वारा, पक्षमावी पेशियों द्वारा ऑप्शन नंबर तीन इसका सही होगा, अभिनेत्र लेंस की फोकल दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमावी पेशियों द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है, तो क्या आपका होगा, ये जो मानव नेत्र का जो हिस्सा होता है रेशेदार जेलीवत पदार्थ का जो बना होता है वह क्या कहलाता है आपका, अभिनेत्र लेंस कहलाता है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस कहलाता है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा, आठ का अभिनेत्र लेंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निकट दृश्य दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है, तो निकट के लिए क्या होता है आपका अवतल लेंस, तो नौ का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो में क्या है अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का आधारित है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का उदाहरण है, किस परिघटना पर आधारित है, तो दस का हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा आपका, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष का बनना जो है आपका प्रकाश का या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण परिघटना पर आधारित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है एम्पियर, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है एम्पियर, ओम किसका होता है प्रतिरोध का, वोल्ट किसका होता है विभवांतर या विभव का, कूलम किसका होता है विद्युत आवेश का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर चार इसका सही हो जाएगा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर चार इसका सही हो जाएगा। चलिए
किस परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में किससे जोड़ा जाता है, एमीटर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किसे एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम अंगुष्ठ द्वारा किसकी दिशा संकेत होती है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जो आपका क्या है आपका किसकी दिशा संकेतित होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे द्वारा किसकी दिशा संकेतित होती है, तो इसका सही होगा 13 का 1 हो जाएगा धारा, क्या हो जाएगा धारा। ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा धारा। जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो जंग लगना क्या आपका किस प्रकार का अभिक्रिया जंग लगना, तो संयोजन अभिक्रिया, क्या ऑप्शन नंबर एक जंग लगना क्या है आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर दो सी ए ओ एच पर होल्ड ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोझा हुआ चूना बोलते हैं, यानी चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe2O3 इधर 2Al इधर अगर Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार अभिक्रिया यहाँ पे विस्थापित अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या कर रहा है आपको फेरस को विस्थापित कर दे रहा है, क्या हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। 16 का ऑप्शन नंबर किसमें है, विस्थापन 4 में, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा प्रबल अम्ल है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 HCl क्या आपका प्रबल अम्ल है, HCl क्या आपका प्रबल अम्ल, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा HCl प्रबल है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो pH का मान क्या होगा इसका, लाल लिटमस को नीला करता है तो क्षार होगा, तो pH मान क्षार का क्या होगा 7 से अधिक किसका है, एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इसका, क्योंकि pH मान जब का 7 से अधिक होगा जो क्षार है लाल को नीला कर रहा है, तो कब ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम सूत्र क्या होता है, NaCl। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका इसका एक CaOH पर होल्ड ट्वाइस ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। चलिए क्लोर क्षार प्रक्रम किस पदार्थ का निर्माण करता है, किस पदार्थ का निर्माण होता है क्लोर क्षार प्रक्रम में, इसका जो आंसर होगा आपका 21 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो धातु बोला है तो आपको पारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो पारा। कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो इसमें आपका ये लिस्ट आपको याद रखना होगा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका चांदी, क्या है चांदी सबसे कम अभिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। पीतल किसका उदाहरण है, किसका है पीतल, क्या है आपका मिश्र धातु का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा पीतल किसका उदाहरण है मिश्र धातु का। एल्कीनों का समान सूत्र
इसका हो जाएगा 25 का उत्तर होगा आपका CnH2n, ये आपका क्या है एल्किनों का समान सूत्र है CnH2n एल्किनों का। चलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। मेंडलिफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का उदाहरण बताइए। मेंडलिफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण जो वो किस आधार पर हुआ है, तो परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। मेंडलिफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण जो आपका परमाणु द्रव्यमान के आधार पर होता है, किसके आधार पर, परमाणु द्रव्यमान। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण में उसका मुख्य उत्पाद जो होता है आपका क्या होता है, 27 का हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ये आपका एक है, ऑप्शन नंबर एक क्या आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पादप में जालम उत्तरदायी है, जालम किसके लिए उत्तरदायी है, तो इसका सही उत्तर होगा जल के वहन के लिए। ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा, पादप जल में, पादप में जालम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है किसमें होती है, यह क्रिया जब का होती है हर कोशिका द्रव्य में, यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं, सीनेप्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, क्या बोलते हैं, सीनेप्स। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का निरीक्षण करता है, तो कौन करता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका पश्चमस्तिष्क। क्या आपका पश्चमस्तिष्क, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो आपका पश्चमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, पश्चमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, पश्चमस्तिष्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, तो 22 का हो जाएगा आपका, सॉरी 32 का हो जाएगा आपका एक डीएनए, 32 का एक हो जाएगा डीएनए। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसमें विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, तो 33 का आपका होगा ऑप्शन नंबर एक अमीबा। अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मनुष्य की कोशिकाओं में जो आपका गुणसूत्रों की संख्या होती है आपका 23 जोड़ियां, कितना होता है जोड़ी में 23, और इसे संख्या में बोलेंगे तो 46। मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितना होते हैं, 23 जोड़ियां, कितना होते हैं 23 जोड़ियां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक 23 जोड़ियां। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विकास दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, विकास दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका चीन के विद्यार्थी से। ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा, चीन के विद्यार्थी से। किसी आहार श्रृंखला में बड़े मांसाहारी जंतु का निर्माण होता है आपका 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चतुर्थ पोषी स्तर का। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है आपका, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पारितंत्र है, इसका जो सही जवाब होगा आपका बगीचा तथा खेत।
बगीचा तथा खेत क्या उसका पारितंत्र है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया पारितंत्र है उसको निर्मित मानव निर्मित बोलते हैं बगीचा तथा खेत। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ तो इसका सही उत्तर होगा आपका 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक 1970। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ 1970 ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका 39 नंबर नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने हैं तो आवश्यक है नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने हैं तो क्या आवश्यक है यूरेनियम क्या आपका यूरेनियम ऑप्शन नंबर दो तीन इसका सही हो गया। नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने हैं तो आवश्यक है यूरेनियम क्या है यूरेनियम। ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका सूर्य है क्या आपका सूर्य ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य। चलिए इस तरह से आपका यह भी सेट आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका लास्ट सेट बचा हुआ है पाँचवा सेट क्योंकि चार सेट को हम लोगों ने कर लिए हैं इस वीडियो में। अब आपका अंतिम सेट है लास्ट सेट आपका पाँचवा सेट क्योंकि पाँच सेट का इसमें मैराथन सेशन चल रहा है। चलिए ये आपका पाँचवा सेट है साइंस का क्लास टेन का साइंस का पाँचवा सेट है जो MCQ बेस्ड सभी क्वेश्चन है और जो प्रत्येक सेट में 40 क्वेश्चन है। इस तरह से आपका 200 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेट फाइव का आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है गोले दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या बोलते हैं गोले दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या गोले दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं इसका जो सही जवाब होगा आपका ध्रुव क्या बोलते हैं ध्रुव इसको पोल बोलते हैं गोले दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक दर्पण की फोकस दूरी 10 है तो वो पता चाहिए कितना उसका दोगुना हो जाएगा तो 10 का डबल कितना होता है 20 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसके वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उस दर्पण का नाम बताएं जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके तो उस दर्पण का नाम बताएं जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अवतल दर्पण क्या हो जाएगा अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नांकित में से किस वस्तु में किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नांकित में से किस वस्तु में किया जाता है जिसका सही जवाब होगा आपका 4 का 1 हो जाएगा आपका गाड़ी के साइड मिरर में ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा 4 का गाड़ी के साइड मिरर में। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर फाइव आपका है किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले गोले लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस क्या है आपका -15 सेंटीमीटर है क्या आपका किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले गोले लेंस दोनों की फोकस दूरियां क्या है -15 सेंटीमीटर है दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या हो जाएगा आपका दोनों का दोनों क्या हो जाएगा अवतल हो जाएगा अवतल लेंस भी हो जाएगा और अवतल दर्पण भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। हर स्थिति में निगेटिव जब आपका अवतल लेंस का भी फोकस दूरी निगेटिव होता है अवतल दर्पण का भी चलिए तो इसलिए इसका हो जाएगा दोनों अवतल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है आपका किसी लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी क्या F में क्या संबंध है P बराबर क्या होता है 1/F P बराबर 1/F होता है ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा P बराबर 1/F लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी फोकस दूरी क्या होता है क्षमता का व्युत्क्रम होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वो अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है वह क्या कहलाता है तो वह क्या कहलाता है आपका समंजन क्या कहलाता है समंजन कहलाता है क्या कहलाता है समंजन ऑप्शन नंबर 4 का सही हो जाएगा समंजन। अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है वो क्या कहलाता है समंजन एकोमोडेशन ऑप्शन नंबर 4 का सही हो जाएगा एकोमोडेशन समंजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है तो क्या हो जाएगा उसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 का सही हो जाएगा विद्युत सिग्नल में ऑप्शन नंबर 2 का सही हो जाएगा रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है विद्युत सिग्नल में 8 का ऑप्शन नंबर 2 का सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है
जरा दूर दृष्टि को किस लेंस से दूर किया जाता है? इसका जो सही उत्तर होगा आपका वाई फोकल लेंस, देव फोकस लेंस। क्या है? जरा दूर दृष्टि दोष को वाई फोकल लेंस से दूर किया जाता है, जिसको आपका देव फोकस लेंस भी कहते हैं। चलिए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो किसके कारण? इसका सही उत्तर होगा आपका आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दो सही हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण, ऑप्शन नंबर दो। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है इलेवन नंबर क्वेश्चन आपका है विद्युत शक्ति का ऐसे मतलब, विद्युत शक्ति का ऐसे मतलब होता है, विद्युत शक्ति का मतलब ऐसे मतलब क्या होता है? वाट। क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति का ऐसे मतलब क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। ऑप्शन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? वी वाट। विद्युत शक्ति का ऐसे मतलब वाट होता है। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, सही जवाब हो जाएगा आपका वेग। क्या हो जाएगा? वेग। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण जो है आपका किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? वह होगा आपका वेग, वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर चौदह क्या कर रहा है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 14 का सी, ऊष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी। 14 का क्या हो जाएगा? सी, ऊष्माक्षेपी। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में से यह जो समीकरण है किस पदार्थ का उपचयन और अपचयन हो रहा है? यहाँ पे 2PbO+C2PbO2 इसमें अपचयन और उपचयन दोनों बताना है। इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 में आपका सही है। क्या है आपका? कार्बन का उपचयन हो रहा है और PbO का अपचयन हो रहा है। कार्बन का उपचयन और PbO का अपचयन। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन आपका इसमें इसको देख के बताना है कि वो किस तरह का अभिक्रिया हो रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 16 का 2 आपका सही होगा, वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, वियोजन, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये आपका इसमें वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन। क्षार के जले विलयन में क्या उत्पन्न होता है? क्षार के जले विलयन में क्या उत्पन्न होता है? इसका जो सही जवाब होगा आपका 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 OH- आयन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्षार के जले विलयन में क्या उत्पन्न होता है? तो OH- आयन। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षार विलयन का पीएच मान क्या होता है? क्षार विलयन का पीएच मान कितना होता है? 18 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 7 से अधिक। क्षार विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका जो रासायनिक सूत्र होता है आपका Na2CO3.10H2O Na2CO3.10H2O ये आपका क्या है? धवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन आपका साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? संतरा। क्या आपका? संतरा। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? संतरा। दिए गए किस लवण में क्रिस्टलिक
का जल मौजूद है। दिए गए लवण में क्रिस्टली का जल मौजूद है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CuSO4.5H2O, इसको क्या बोलते हैं कॉपर सल्फेट, जो कि आपका एक लवण है तो CuSO4.5H2O, जिसको तूतिया भी बोलते हैं, तूतिया, चलिए नीला तोता भी बोलते हैं, चलिए नीला तोता, तूतिया, कॉपर सल्फेट, ये सभी क्या है आपका इसका नाम है जो आपका जलकानु इसमें मौजूद है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती है, कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन एक सोना, क्या हो जाएगा सोना, सोना जो है आपका धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती है, वह इसका ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। 23, कौन सा धातु गैस अवस्था में पाए जाते, कौन सा धातु गैस अवस्था में पाई जाती है, इसका जो सही उत्तर होगा आपका हाइड्रोजन, क्या होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका सीसा एवं टीन के मिश्र धातु क्या बोलते हैं, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को आपको सोल्डर करते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। और तांबा और जिंक का मिश्र धातु को पीतल बोलते हैं, कांसा तक का तांबा और टीन, कांसा तांबा और टीन, पीतल तांबा और जिंक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटेनॉन जो है आपका चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकृतात्मक समूह है, यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकृतात्मक समूह है, तो क्या हो जाएगा उसका 25 का ऑप्शन नंबर 3 कीटोन, कार्बोक्सिलिक जो है इसका आपका प्रक्रियात्मक समूह कीटोन हो जाएगा, कीटोन को कीटोन कैसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड सीओ, चलिए कीट, तो इसका सही उत्तर होगा आपका कीटोन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में आवर्तक संख्या कितना होता है, तो 26 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा 7, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में आवर्तक संख्या कितना होता है 7, कौन परजीवी नहीं है, तो 27 का हो जाएगा आपका वी, 27 का वी हो जाएगा राइजोबियम, क्या हो जाएगा राइजोबियम, परजीवी नहीं है राइजोबियम, क्या वो परजीवी नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइजोबियम क्या हुआ परजीवी नहीं है, पौधे में जाइलम जो है किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो पौधे में जाइलम जो है किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तब का पानी, क्या आपका पानी, 28 का हो जाएगा एक पानी, क्या हो जाएगा पानी। मनुष्य के हृदय में कोष्ठक की संख्या, मनुष्य के हृदय में कोष्ठक की संख्या कितना हो जाएगा आपका एक, क्या हो जाएगा नहीं 29 नंबर है, 29 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4, क्या हो जाएगा 4, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक है, तो 4, ऑप्शन नंबर 3 होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, एक पादप हार्मोन का उदाहरण है वृद्धि को बढ़ाता है, क्या आपका इसका उदाहरण होगा आपका जिब्रेलिन, क्या हो जाएगा जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा, एक पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है जिब्रेलिन है जो वृद्धि को बढ़ाता है। ऑक्सिन क्या है, एक पादप हार्मोन है, ऑक्सिन एक हार्मोन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मादा मानव में निश्चन कहाँ होता है, तो आपका मानव मादा में जो निश्चन होता है उसका कहाँ होता है, निश्चन आपका डिम्बवाहिनी होता है, इसको फलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, डिम्बवाहिनी, मानव मादा में निश्चन कहाँ होता है डिम्बवाहिनी, इसको फलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। जनत संचारित रोग आपका क्या है, इनमें से सभी सिफिलिस भी है जनन संचारित रोग, गनोरिया भी है जनन संचारित रोग, आपका एड्स भी क्या है वो जनन संचारित रोग है, ले इनमें से सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
मेंडल के प्रयोग टी क्या दर्शाता है? तो 34 का आपका सही उत्तर होगा, आपका 2 और 3 दोनों, 2 और 3 क्या आपका पवनापन को भी दर्शा रहा है और 3 क्या आपका अप्रभावी लक्षण, ये दोनों आपका सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, 2 और 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो पुरुषों में जो गुणसूत्र पाया जाता है आपका एक्स वाई, क्या पाया जाता है? एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है पुरुषों में। अब सामान्य सॉरी तापमान वर्षा पवन आदि, तापमान वर्षा पवन आदि पर्यावरण के क्या है? भौतिक कारक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, तापमान वर्षा पवन आदि पर्यावरण के भौतिक कारक हैं। 36 का हो जाएगा आपका 2 नंबर। अब 37, अब 37 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नांकित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। 37 का क्या हो जाएगा, डी। कपड़े के थैले का उपयोग करना भी क्या है? पर्यावरण मित्र व्यवहार को दर्शाता है। वे मतलब पंखे न चलाना, यह भी क्या है? पर्यावरण मित्र व्यवहार को दर्शाता है। स्कूटर पर विद्यालय में जाकर पैदल जाना, ये भी क्या है? आपका पर्यावरण मित्र व्यवहार को दर्शाता है। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खादिन पाए जाते हैं, खादिन पाए जाते हैं, 38 का क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान में, कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में खादिन कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नवीकरण ऊर्जा स्रोत क्या है? नवीकरण ऊर्जा स्रोत कौन है? 39 का आपका हो जाएगा जैव गैस, जैव गैस। नवीकरण ऊर्जा स्रोत क्या है वो? जैव गैस। अब लास्ट क्वेश्चन आपका 5वां सेट का लास्ट क्वेश्चन, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिलिकॉन, क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन। चलिए तो इस तरह से आपका इस सेट में हम लोगों ने देखा कि 5 सेट को अर्थात 200 MCQ क्वेश्चन को इस वीडियो में, एक ही वीडियो में हम लोगों ने देखा, जो टोटल क्या था, एमसीक्यू था, जो क्लास 10 का जो जैक बोर्ड जो स्टूडेंट्स है जो एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही वीडियो क्या हो जाएगा, यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें 200 क्वेश्चन एक ही वीडियो में है और आपका रिवीजन बहुत अच्छा से ये वीडियो से इस ये वीडियो के द्वारा रिवीजन हो जाएगा और 5 सेट को इस वीडियो ने हम लोगों ने देखा। चलिए अब जो नेक्स्ट सेट आएगा, नेक्स्ट फिर मैराथन लेके आएंगे और उसमें भी 5 सेट को करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।